मैं हमेशा कहता हूं कि जब ये दल बनकर चुनाव हम लोग लड़ेंगे तो या तो अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में लटकने का उपाय नहीं है। और अगर सब प्रयास के बाद भी बिहार के जनता के दिमाग पर जो काई जमा हुआ है उसको हम लोग साफ नहीं कर पाए तो 10 के नीचे ही सिमट जाएंगे, तो फिर 5 वर्ष फिर रगड़ना पड़ेगा। तो गठबंधन का कोई उपाय नहीं है, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। अगर तो आपकी हमारी बात घर घर पहुंच गई तो इतना सीट आएगा कि गिन नहीं पाइएगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अब फुल चुनावी मूड में लगातार हर एक चुनावी मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, खुल के अपनी बातों को रख रहे हैं। पिछली खबरों में आपने देखा होगा किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने सबसे पहले यह घोषणा किया कि पार्टी बनने जा रही है, जगह भी बता दिया कि गांधी मैदान में पार्टी बनेगी, डेट भी बता दिया कि 2 अक्टूबर को इस बात का घोषणा हम कर देंगे। इसके साथ ही यह भी बताया कि बिहार के कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि प्रशांत किशोर अपने वादे भी करने शुरू कर चुके हैं और उनका फोकस अगर है मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा कोई पॉइंट है तो वो है पलायन को रोकना। अब ऐसे में प्रशांत किशोर एक कदम और आगे बढ़ते हुए गठबंधन के सवालों पर भी खुलकर जवाब देते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर कुछ समय पहले जनसुराज के पुरोधा प्रशांत किशोर ज्ञान भवन में अपने अभियान का एक समीक्षा बैठक किए थे। इसमें उन्होंने ये तय किया था कि पार्टी कब घोषित हो और कहां पर घोषित हो। उसी बैठक में एक व्यक्ति ने प्रशांत किशोर से सवाल पूछा कि अगर आपको बहुमत नहीं आई तो किसके साथ जाएंगे। इसमें प्रशांत किशोर ने खुलकर जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने खुलकर जवाब देते हुए कहा कि अगर मुझे बहुमत नहीं आई तो इस पर बात करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ रहा हूं तो या तो अर्थ पर लड़ूंगा या फिर फर्श पर मरूंगा, किसी से गठबंधन करने का अभी तक कोई प्लान नहीं, इतनी सीटें आएंगी कि आप गिन नहीं पाएंगे। यानी कि प्रशांत किशोर 2025 में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। एक सज्जन ने पूछा कि अगर सीट बहुमत भर नहीं आया तो किससे गठबंधन कीजिएगा। तो मेरे भाई जन सुराज का जो परिकल्पना है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब ये दल बनकर चुनाव हम लोग लड़ेंगे तो या तो अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में लटकने का उपाय नहीं है। अगर तो आपकी हमारी बात घर घर पहुंच गई तो इतना सीट आएगा कि गिन नहीं पाइएगा। और अगर सब प्रयास के बाद भी बिहार के जनता के दिमाग पर जो काई जमा हुआ है उसको हम लोग साफ नहीं कर पाए तो 10 के नीचे ही सिमट जाएंगे, तो फिर 5 वर्ष फिर रगड़ना पड़ेगा। तो गठबंधन का कोई उपाय नहीं है, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। कोई पूछे तो स्पष्ट बताइए लड़ेंगे कितना, 243, 242 नहीं। तो सुना आपने किस प्रकार से जनसुराज के पुरोधा प्रशांत किशोर ने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहा है कि इतनी सीटें आएंगी कि गिन नहीं पाएंगे, और ये जवाब था गठबंधन से जुड़े सवालों पर। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।